फ्रेंड्स, अगर आप इस बात को याद रखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद, मैंने बोला किसी भी प्रेपोजिशन के बाद, चाहे वो ऑफ हो, चाहे वो फा हो, या इन, ऑन, इनटू, यानी कोई भी प्रेपोजिशन हो, सबके बाद सिर्फ आईएनजी फॉर्म ही लिखा जाता है, यानी ज़ेरन का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को मैं एक बार और दोहरा दूं, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद, चाहे वो टू हो या ऑफ, फा हो या बिफोर, इन हो या इनटू, सभी तरह के प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ ज़ेरन का इस्तेमाल किया जाता है, इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर देखा है जहाँ टू के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, यानी ज़ेरन का नहीं बल्कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि टू के साथ एक ज़ेरन का भी इस्तेमाल किया जाता है और टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर टू का यूज आपके सेंटेंस में एक प्रेपोजिशन के जैसे किया गया है, तो कन्फर्म है वहाँ टू के बाद सिर्फ ज़ेरन का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कई बार आपके सेंटेंसेज में टू का इस्तेमाल एक प्रेपोजिशन के जैसे नहीं होता है, बल्कि पार्ट ऑफ इन्फिनिटिव के रूप में होता है, तो इस सूरत में आप टू के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यानी आप ज़ेरन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा मुमकिन है कि जो मैंने बताया आप मुझ पर डाउट करें, क्योंकि ये एक बहुत कंफ्यूजिंग लेसन है। तो आइए सबसे पहले किताबों में पढ़ें, ताकि आपको यकीन हो सके कि जो मैंने बताया वो सही था। यहाँ लिखा हुआ है, टू का प्रयोग जब प्रीपोजिशन की तरह होता है तो उसके बाद ज़ेरन का प्रयोग किया जाएगा। टू का प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह हुआ है या नहीं, इसको जानने के लिए उसके बाद नाउन या प्रोनाउन लगाकर देखें। यदि इसके बाद नाउन या प्रोनाउन लगाया जा सकता है, तो टू का यूज प्रीपोजिशन के जैसे हुआ है, नहीं तो एज अ पार्ट ऑफ इन्फिनिटिव, यानी एक इन्फिनिटिव के शक्ल में हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, टू यूज्ड एज प्रीपोजिशन, यानी यहाँ पर टू का इस्तेमाल प्रीपोजिशन के जैसे हुआ है, इसलिए आप टू के बाद आईएनजी फॉर्म देख सकते हैं जो कि लिखा हुआ है मीटिंग। दूसरा एग्जाम्पल है, आई एम अकस्टम्ड टू स्मोकिंग, टू यूज्ड एज ए प्रीपोजिशन, यहाँ भी टू का यूज प्रीपोजिशन के जैसे हुआ है, इसलिए आप टू के बाद आया वर्ब में आईएनजी फॉर्म देख सकते हैं। आई वॉन्ट टू गो देयर, टू यूज एज ए पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव, यहाँ टू का यूज इन्फिनेटिव के रूप में हुआ है, इसलिए आप देख सकते हैं टू के बाद आने वाला वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं है, यानी यहाँ लिखा है गो। विल यू लाइक टू कम इन, टू यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव, यहाँ टू का यूज इन्फिनेटिव के शक्ल में हुआ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि आप ऐसा न समझें कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखा जाना चाहिए। आप टू के बाद ज़ेरन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके सेंटेंस में टू का यूज एक प्रेपोजिशन के शक्ल में हुआ है, तो उसके बाद आने वाला वर्ब ज़ेरन के शक्ल में होगा, यानी आईएनजी फॉर्म के शक्ल में होगा। लेकिन आपके सेंटेंस में आया टू का इस्तेमाल एज ए पार्ट ऑफ इन्फिनिटिव है, तो फिर टू के बाद आने वाला वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को याद रखेंगे कि सभी प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ ज़ेरन ही लिखा जाता है, यानी आईएनजी फॉर्म ही लिखा जाता है। सिर्फ टू एक ऐसा वर्ड है जो कभी प्रेपोजिशन का काम करता है और कभी पार्ट ऑफ इन्फिनिटिव का। अगर हम टू की बात न करें या टू को अलग कर दें, तो मैं कह सकता हूँ कि सभी प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ आईएनजी फॉर्म ही आना चाहिए, यानी ज़ेरन का इस्तेमाल होना चाहिए।